ब्रेक के बाद चलते हैं खबरों की ओर। बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की ही। राजधानी भोपाल में या फिर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो है धरातल पर आने लगा है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में मिले 37 संक्रमित मरीज, प्रदेश की 99% ज्यादा हुई पंचायत ग्रीन जोन में। तो प्रदेश की 99% से ज्यादा पंचायत ग्रीन जोन में आ चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना का संक्रमण धरातल पर आने लगा है और बीते 24 घंटे में राज्य में मिले सिर्फ 37 संक्रमित मरीज। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब धरातल पर आने लगा है। बीते 24 घंटे में राज्य में मिले 37 संक्रमित मरीज, तो वहीं प्रदेश में 99% से ज्यादा पंचायत अब ग्रीन जोन में आ चुकी हैं। तो कोरोना की सेकेंड वेव के बाद अब कोरोना काबू में आने लगा है और ऐसे में अब संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे में केवल 37 मरीज सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋतु भंडारी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके का आंकड़ा सामने आ रहा है? बिल्कुल अनन्या, एक राहत भरी खबर सामने आई है कि कोरोना का आंकड़ा जो है वो लगातार कम होता हुआ जा रहा है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, क्योंकि जब तक कोरोना काल था उस दौरान 1000 या फिर काफी ज्यादा यहाँ मरीजों की संख्या की पुष्टि होती थी, और अब ऐसे में सिर्फ पिछले 24 घंटे में 37 मरीज सामने आए, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 99% जो आंकड़ा है वो यहाँ कम हो गया है। लेकिन अभी भी सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विशेषज्ञों की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर की यहाँ पर आशंका जताई गई है, और ऐसे में तमाम जो एहतियात है वो बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अनलॉक हो चुका है और अब 1 जुलाई से वापस से जो टोटल अनलॉक है एमपी एक बार फिर हो जाएगा। तो ऐसे में राहत भरी खबर तो निकलकर सामने आई, लेकिन अब लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि उनके ऊपर ही ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे जो भी यहाँ पर परेशानी आएगी उससे किस तरह से उभरना है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और सख्ती भी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। अनन्या जी, ऋतु, अगर यहाँ पर सख्ती की बात की है तो किस तरह की एहतियात यहाँ पर प्रशासन बरत रहा है, किस तरह के यहाँ पर नियम जो है बनाए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो शर्तें काफी यहाँ पर सख्त बताई गई है, और ऐसे में कहा गया है कि जो भी अभी सामूहिक गतिविधि यहाँ पर होती है अभी फिलहाल वो नहीं होगी, एक से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तमाम तरह के एहतियात बरतने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना की जो भी तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य यहाँ किया गया है। और यहाँ पर एक सरकार की तरफ से ये चीज भी प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर एक से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, चाहे चालानी कार्रवाई हो या फिर किसी तरह के, वो फिर प्रशासन अपने हिसाब से निपटेगा। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए कि कोरोना का संक्रमण अब धरातल पर आने लगा है और ऐसे में तमाम तरह की एहतियात यहाँ पर प्रशासन बरत रहा है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कुल 37 मरीज मिले हैं प्रदेश में, और ये एक राहत की खबर है, लेकिन एहतियात जो है वो आपको भी बरतना है। और साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बाद जो है थर्ड वेव ना आए, इसके लिए सावधानी खुद को बरतनी होगी। तो लगातार शहर का सैनिटाइजेशन जारी है, जगह जगह चाक चौबंद लगाया गया है, लॉकडाउन लगभग खत्म हो रहा है और अनलॉक की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ऐसे में जितनी भी सख्ती हो सकती है, एहतियात हो सकती है, सभी बरत रहे हैं और तमाम जगहों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ पर कवायद जो है वो तेज हो गई है। मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में देश में नंबर वन है और ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में कोरोना के 37 मरीज प्रदेश में सामने आना अपने आप में राहत की खबर है, काफी समय बाद ऐसा आंकड़ा सामने आया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि थर्ड वेव के पहले जो है इसे कंट्रोल कर लिया जाए, यानी कि कोरोना को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका जाए प्रदेश से और देश से। इसके लिए एहतियात लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, सरकार भी लगातार इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है और ऐसे में अब कोरोना की थर्ड वेव को रोकने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार और प्रशासन कर चुका है।